पाकिस्तान हाय हाय 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 पाकिस्तान पाकिस्तान हाय हाय सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान हाय हाय 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 पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद देश के कद्दारों को गोली मारो सालों को देश के कद्दारों को गोली मारो सालों को देश के कद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गोली मारो सालों को देश के कद्दारों को गोली मारो सालों को गोली मारो सालों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद सेंट्रल गवर्नमेंट होश। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम सबसे पहले हम अपनी सेना के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो पूंछ के अंदर एक ऑपरेशन में जो है शहीद हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस कठिन दौर से सेना जूझ रही है, एक कठिन ऑपरेशन जो है 6-7 दिन से लगातार जो है वो पूंछ के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो हमारे देश को हुई है, हमारी सेना को हुई है। हमारी सेना के तकरीबन 9 से 10 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अभी तक, लेकिन हमारी सेना डटी हुई है और उन 10 जवानों की शहादत का बदला जो है वो हमारी सेना जो है वो लेकर रहेगी। आज हम पाकिस्तान का पुतला फूंका हमने, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने यहां से आतंकियों को प्रशिक्षित करकर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर इन आतंकवादी वारदातों को करने के लिए भेज रहा है। हमने पहले भी प्रदर्शन किए, हमने पहले भी कहा सरकार को कि सरकार इसके ऊपर कोई बड़ा कदम उठाए, सरकार इसके ऊपर कोई जल्द से जल्द निर्णय ले। सरकार को हमने 2 विकल्प बताए थे, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक, और तीसरा विकल्प आज हम और बताते हैं कि सीधे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जाए, पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाएं घुसे और इस पाकिस्तान को हमारी सेनाएं जो है वो छठी का दूध याद दिला दें। दूसरा, कश्मीर के अंदर फिर से टारगेट किलिंग जो है वो हुई है। कल 2 लोग जो हैं, जो एक बिहार का युवक और एक यूपी का, उनको मारा गया है। यह टारगेट किलिंग जो है यह भी पाकिस्तान की साजिश है, जो टीआरएफ आतंकी संगठन लगातार इन आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। हम उसको भी वार्न करते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े। तीसरा जो है, बंगाल के अंदर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार, 6 के करीब हिंदू मारे गए हैं, कई मंदिर तोड़े गए हैं, कई मूर्तियां तोड़ी गई हैं, घरों को लूटा गया है, लेकिन कोई भी नेता जो है वो इसके ऊपर नहीं बोला है। हम पूछना चाहते हैं इन सरकारों से, इन नेताओं से, क्या हिंदू केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए है? उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके सर है? इसलिए जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो ये केंद्र सरकार करे। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर